दोस्तों नमस्कार। हरियाणा में चुनावी मौसम शुरू हो गया है और चुनावी मौसम आप ये कहें तो इस समय पूरी रंगत पर है। जिस प्रकार से अलग अलग प्रकार के मौसम आते हैं, पतझड़, सावन, बसंत, बहारें, ये तमाम मौसम के हिस्से हैं, इसी प्रकार चुनाव भी एक मौसम का हिस्सा है। कहने को तो चुनाव हमारे यहाँ 5 साल में एक बार होते हैं, लेकिन कुछ व्यवस्था ऐसी बनी हुई है कि हर साल व्यक्ति को साल में 1-2 बार भी कभी कभी तो चुनाव मैदान में जाना पड़ता है, देखना पड़ता है। और जब राजनेता आते हैं जनता के दरबार में वोटों की अपील करने के लिए, तो वही वाली घड़ी एक बार फिर आ गई है। अभी लोकसभा चुनाव की खुमारी उतरी भी नहीं, यानी कि अभी लगभग 25 मई को हरियाणा के अंदर मतदान हुआ था लोकसभा चुनाव के लिए, तो अभी लोकसभा चुनाव की जो खुमारी थी वो लोगों के दिलो दिमाग पर अभी छाई हुई है। अभी तो नेताओं के अभिनंदन चल रहे हैं, अभिनंदन समारोह हो रहे हैं उन नेताओं के जो सांसद बने थे, लेकिन इसके साथ साथ ही शुरू हो गई है तैयारी विधानसभा चुनाव को लेकर के भी। और दोस्तों, जब चुनाव आता है तो फिर बहुत कुछ होता है। राजनीतिक दल अपनी तैयारी करते हैं, जिनको चुनाव लड़ना है वो अपनी तैयारी करते हैं, बड़े नेता अपने लिए ढूंढते हैं कि सुरक्षित सीट कौन सी हो सकती है। कई बार ऐसे वाकये होते हैं कि जब बड़े नेताओं के लिए जो उनकी परंपरागत पुरानी सीटें होती हैं, या तो वो रिजर्व हो जाती हैं SC ST के लिए, और या फिर परिस्थिति ऐसी बन जाती है कि उनको एक और सीट तलाश करनी पड़ती है। इस सारी बात का जिक्र आपसे इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि इस समय दौड़ धूप चल रही है नेताओं की, और राजनेता जो ऊंची पहुंच वाले राजनेता हैं, चाहे वो क्षेत्रीय दलों के और चाहे वो राष्ट्रीय राजनीतिक पार्टियों के, जो देख सकते हैं कि अपने लिए कौन सी सुरक्षित सीट ढूंढ ली जाए जहां से उनकी बात बन जाएगी और फिर उन पर मोहर लग जाती है। अगर वो क्षेत्रीय पार्टी है तो फिर तो मोहर उनके अपने हाथ में ही होती है, और अगर राष्ट्रीय राजनीतिक दल हैं तो फिर वो पार्टी आला कमान को विश्वास में लेते हैं। आपसे सारी बात का जिक्र इसलिए कर रहा हूं कि अभी हाल ही में प्रथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर राष्ट्रीय राजमार्ग 19 का एक प्रमुख विधानसभा क्षेत्र, एक पूरी तरह से ग्रामीण बेस्ड, देहात बेस्ड विधानसभा क्षेत्र, और वो विधानसभा क्षेत्र जिसने कि हर बार नए नेता को अपना जनप्रतिनिधि, अपना नुमाइंदा चुना, जहां पर पार्टी की मर्यादाएं कोई पता नहीं चलता कि कब कौन सी राजनीतिक दल की बारी आ जाए या फिर कौन सा नेता अपने प्रभाव में जनता को ले ले। आपको बताता चलूं कि प्रथला विधानसभा का गठन 2007 के परिसीमन में हुआ, 2009 में पहला चुनाव हुआ, और जो मैं आपसे कह रहा हूं कि यहां पर राजनीतिक दल हर बार नया होता है, इस विधानसभा क्षेत्र में 2009 में जो पहला चुनाव हुआ तो उस चुनाव में विधायक बने थे रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस पार्टी से। 2014 में दूसरा विधानसभा चुनाव हुआ, विधायक बने यहाँ से टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी से। तीसरा चुनाव हुआ तो नैनपाल रावत विधायक बने, 2019 में वो इंडिपेंडेंट विधायक बने। अब 2024 की तैयारी है, यहाँ पर कांग्रेस एक बार बन गई लेकिन भारतीय जनता पार्टी का नंबर एक बार भी नहीं आया। और अगर मैं आपसे कहूं तो प्रथला विधानसभा क्षेत्र के लिए जो परिसीमन के बाद अस्तित्व में आई, उसके लिए चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की सरकार थी 2004 तक, कुलदीप सिंह नैयर उसके अध्यक्ष थे, परिसीमन जो कमेटी बनी थी उसके, और उस दौर में काफ़ी काम हुआ था, और ओम प्रकाश चौटाला की पार्टी ने भी, यानी कि इंडियन नेशनल लोकदल ने भी अपनी भूमिका का निर्वहन किया था प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गठन के लिए। प्रथला विधानसभा क्षेत्र जब अस्तित्व में आ गया तो लगा ये था कि इस विधानसभा क्षेत्र को चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, चौधरी देवीलाल का परिवार अपनी कर्म स्थली बना सकता है। इस विधानसभा क्षेत्र को माना ये जाने लगा था कि जैसे चौटाला परिवार के लिए डबावाली की विधानसभा सीट है, रोड़ी की विधानसभा सीट रही, दड़वा कलां की विधानसभा सीट रही कभी, यानी कि जो उनका कर्म क्षेत्र था सिरसा से जुड़ी हुई विधानसभा सीटें, लगता ये था कि प्रथला भी एक उसी प्रकार की कर्म स्थली बन सकती है। लेकिन जो मैंने आपको बताया कि प्रथला विधानसभा की जमीन ना तो चौटाला परिवार के जितने भी नेता हैं, आज तो दो पार्टियां हो गई, इनेलो और जननायक जनता पार्टी, जब तक एक पार्टी रही तब तक भी ये परिवार को रास नहीं आई विधानसभा सीट, और यहाँ से कभी भी ताऊ देवीलाल की बगिया का फूल नहीं खिला और दूसरा कमल का फूल भी नहीं खिला। और इस वीडियो में मैं आपसे बात कर रहा हूँ चौधरी देवीलाल परिवार को लेकर के और प्रथला विधानसभा को लेकर के।
तो मैं आपको जो बता रहा था कि जब इस सीट का गठन हुआ, जब प्रथला विधानसभा सीट अस्तित्व में आई तो कहा यह गया कि इस विधानसभा सीट पर चौधरी देवीलाल परिवार के किसी नेता की भी नजर रहेगी। 2009 का चुनाव हुआ तो 2009 के चुनाव में जो कैंडिडेट बने इंडियन नेशनल लोकदल के, उस चुनाव में टिकट मिला चौधरी राजेंद्र बीसला को इनेलो की तरफ से। 2014 में यहाँ से टिकट मिला शशिवाला तेवतिया को इनेलो की तरफ से। 2019 में ये परिवार अलग हो गया, इंडियन नेशनल लोकदल और जननायक जनता पार्टी दोनों की धाराएं अलग अलग हो गई। जननायक जनता पार्टी ने यहाँ से 2019 के चुनाव में शशिवाला तेवतिया को अपना प्रत्याशी रखा, लेकिन शशिवाला बीच मैदान में, बीच मझधार में छोड़ करके जननायक जनता पार्टी को चली गई और उन्होंने नामांकन अपना वापस ले लिया। ये सीट खाली रह गई, यानी कि चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी का कोई कैंडिडेट भी नहीं रहा जननायक जनता पार्टी का। अब 2024 के लिए तैयारी है। जननायक जनता पार्टी चौधरी देवीलाल के परिवार की पार्टी है और 2019 के चुनाव से पहले चौधरी ओम प्रकाश चौटाला की जो पार्टी चौधरी देवीलाल की पार्टी इंडियन नेशनल लोकदल से अलग होकर के अस्तित्व में आई जननायक जनता पार्टी, उचाना से विधायक बने दुष्यंत चौटाला, 10 विधायक बने दुष्यंत चौटाला के, और साझीदार रही जननायक जनता पार्टी हरियाणा की भारतीय जनता पार्टी की सरकार के साथ में, यानी कि गठबंधन की सरकार बनी। अब पिछले लगभग 5-6 महीने से, यानी कि मार्च के अंदर, अब अगस्त चल रहा है, मार्च के महीने में 12 मार्च को यह गठबंधन टूट गया, यानी कि लगभग 5 महीने होने वाले हैं जननायक जनता पार्टी अलग हो गई। अलग होने के बाद में लोकसभा का चुनाव हुआ और लोकसभा चुनाव में जननायक जनता पार्टी की कंडीशन बहुत ख़राब हुई। वो उचाना विधानसभा सीट जहां से दुष्यंत चौटाला विधायक थे, वहां पर नैना चौटाला को, उनकी माता जी को, लोगों ने 4,500 वोट तक में निपटा दिया। अब 2024 के विधानसभा की तैयारी है। मैं आपसे प्रथला विधानसभा और चौटाला परिवार का जिक्र इसलिए करने के लिए यहाँ पर मौजूद हूँ कि अभी पिछले दिनों हाल ही में दुष्यंत चौटाला आए थे, इसी सप्ताह में दुष्यंत चौटाला के कार्यक्रम थे प्रथला विधानसभा क्षेत्र के गांवों में, संयोजक की भूमिका में थे यहाँ पर अरविंद शर्मा, अरविंद भारद्वाज। अरविंद भारद्वाज इंडियन नेशनल लोकदल के कभी नेता हुआ करते थे और इनेलो से अलग होकर जब जजपा बनी जननायक जनता पार्टी, तो उन्होंने जननायक जनता पार्टी का दामन थामा। जननायक जनता पार्टी से वो टिकट भी मांगते थे पिछली बार विधानसभा चुनाव के लिए, पार्टी ने टिकट नहीं दिया तो वो एक बार पार्टी को छोड़ करके अलग भी हुए, लेकिन बाद में वापस जेजेपी में शामिल भी हो गए। अब लगातार सरकार में जेजेपी भागीदार रही, शामिल रही। जननायक जनता पार्टी के प्रवक्ता थे अरविंद भारद्वाज और अरविंद भारद्वाज के न्योते पर दुष्यंत चौटाला पहुंचे थे प्रथला विधानसभा में। अभी 3 दिन पहले ही वो कार्यक्रम थे, पर प्रथला विधानसभा के 8-9 गांवों के अंदर दुष्यंत चौटाला की सभाएं हुई। और मैं ये मानूं, अगर और आप समझें, तो प्रथला विधानसभा क्षेत्र पहला क्षेत्र था जहां पर दुष्यंत चौटाला दिन भर रहे। अभी हाल ही के जो चुनाव की तैयारी 2024 के लिए, किसी भी विधानसभा क्षेत्र में अगर नेता जाते हैं तो 1 या 2 गांवों में सभा होती है और इतिश्री हो जाती है, लेकिन प्रथला विधानसभा के गाँवों में दुष्यंत चौटाला सुबह से लेकर शाम तक रहे। रेस्पॉन्स भी ठीक ठाक मिला। आप ये झलकियाँ कुछ देख सकते हैं वहाँ के प्रोग्राम की, कि जहाँ दुष्यंत चौटाला गए थे। वीडियोस में आप देख सकते हैं कि दुष्यंत चौटाला के लिए प्रथला विधानसभा के गांवों में जो उपस्थिति थी, जो लोग उपस्थित हुए थे, वो ठीक ठाक हाजिरी थी और लोगों का जोश भी हाई था। क्योंकि पिछले दिनों में उचाना को लेकर के, जो मैंने आपको बताया कि लोकसभा चुनाव में उचाना विधानसभा क्षेत्र से नैना चौटाला को जो वोट मिले वो बहुत कम थे, और चर्चाएँ शुरू हो गई थी कि क्या कोई और सेफ सीट भी ढूंढी जा सकती है। चौधरी वीरेंद्र सिंह, जो बांगर चौधरी हैं, आजकल कांग्रेस के नेता हैं, उनके जो पूर्व नौकरशाह पुत्र चौधरी ब्रजेंद्र सिंह, सेवानिवृत्त IAS VRS जिन्होंने ली,
ब्रजेंद्र सिंह को सेट करने के जुगाड़ में है चौधरी वीरेंद्र सिंह उचाना में, और उन्होंने पिछले दिनों कहा था कि दुष्यंत चौटाला उचाना में चुनाव नहीं लड़ेंगे। खैर, हालांकि दुष्यंत चौटाला भी कह चुके, डॉक्टर अजय सिंह भी कह चुके उचाना से चुनाव लड़ेंगे, लेकिन क्योंकि वो चौधरी वीरेंद्र सिंह के बयान थे, मैंने यहाँ कोट करना जरूरी समझा, आपको बता दें। और उस स्थिति में देखते हुए कि अगर ऐसा कुछ होता है और कहीं दुष्यंत चौटाला के लिए उचाना सीट जो है कहीं फंसी हुई बनती है, तो इस स्थिति में क्या सुरक्षित सीट, सेफ सीट की तरफ निगाह थी, और क्या वो प्रथला पर तलाश पूरी हो सकती है? मैंने आपको पहले ही बताया कि प्रथला को लेकर के चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला के परिवार की नज़र थी। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला परिवार सोचता था कि इस सीट को जिस प्रकार से कभी रोड़ी से निकल करके और नरवाना पहुंचे थे चौधरी ओम प्रकाश चौटाला, दो चुनाव वहां से लड़े थे, जीते थे, हारे थे, सब कुछ हुआ था, और यही सोचा गया कि अगर दुष्यंत चौटाला के लिए, जो राजनीतिक गलियारों में सोच और चर्चा रही कि अगर दुष्यंत चौटाला के लिए कोई दूसरी सुरक्षित सीट ढूंढनी हो तो क्या उसकी तलाश प्रथला पर आकर पूरी हो सकती है। कई सारी उसमें आपको जो बता रहा हूँ सिमिलरिटी मिलती हैं, उसके लिए जो आभास देती हैं कि ऐसा हो सकता है। एक तो बड़ी बात वही आ गई कि ग्रामीण पृष्ठभूमि की विधानसभा सीट है प्रथला, और एक ऐसी विधानसभा सीट है जिसमें एक भी कस्बा नहीं है, कोई भी 105-6 गांव है और केवल गांवों की पार्टी है, केवल गांवों की सीट है, यानी कि जो प्रथला विधानसभा में केवल गाँव ही गाँव है। दूसरी बात जो आ जाती है कि प्रथला विधानसभा में लगभग 55-60 हज़ार के आसपास जाट मतदाता हैं, लगभग 18-20 हज़ार के आसपास मेव मुस्लिम मतदाता हैं, और लगभग 45-50 हज़ार के आसपास दलित मतदाता हैं। अब जाट मतदाताओं की अगर देखें तो यहाँ पर अगर जो माना हुआ चेहरा जिसे कह सकते हैं, जो लगातार चुनाव लड़ रहे हैं, वो रघुवीर सिंह तेवतिया हैं। लेकिन रघुवीर सिंह तेवतिया भी चुनाव तो आज तक केवल एक बार ही जीत पाए, कांग्रेस पार्टी से वो कैंडिडेट हुए 2009 में, और कांग्रेस से कैंडिडेट के तौर पर वो लगभग 3000 के आसपास वोटों से चुनाव जीत गए 2009 का। 2014 का चुनाव रघुवीर सिंह तेवतिया हार गए पंडित टेकचंद से बतौर कांग्रेस कैंडिडेट, और 2019 के चुनाव में तो रघुवीर सिंह तेवतिया की कांग्रेस की टिकट होते हुए प्रदेश में कुछ ना कुछ कांग्रेस की हवा होते हुए स्थिति इतनी पतली हुई कि यहाँ लगभग 16-17 हज़ार वोट से चुनाव हार गए वो। अब जब चुनाव की तैयारी है तो एक तरफ, क्योंकि मैं दुष्यंत चौटाला का अगर नाम ले रहा हूं, तो फिर यह सीट जोड़नी जरूरी है, बताना जरूरी है कि कौन कौन नेता प्रभावी हैं, क्योंकि दुष्यंत चौटाला जाट समाज से प्रतिनिधित्व करते हैं, और मैंने आपको पहले ही बताया कि जो दक्षिण हरियाणा का जाट समाज है, खासकर फरीदाबाद, गुरुग्राम का, पलवल जिले का जो जाट मतदाता है, ये बहुत ज़्यादा अग्रेसिव नहीं हुआ करता, ये पजेसिव मोड पर ज़्यादा रहता है। और कई बार देखा गया है, आप चाहे 2019 का चुनाव ही देख लें, पूरे हरियाणा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में जाट मतदाता नहीं था, लेकिन पलवल जिले की तीनों विधानसभा सीट उन्होंने भाजपा को जितवा दी। इवन प्रथला विधानसभा सीट जो पलवल और फरीदाबाद मिक्स है, उस सीट पर भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों हार गए। बड़ी बात यह कि कांग्रेस के कैंडिडेट 17-16 हज़ार से हार गए, और जो चुनाव जीते नैनपाल रावत, वो कहीं ना कहीं भाजपा समर्थक ही थे। इस सब को देखते हुए अब जब बात आ जाती है 2024 की, और मैं बता रहा था आपको कि अगर देखा जाए तो जाट चेहरे, जाट नेता के नाम पर यहां पर रघुवीर सिंह तेवतिया का ही प्रमुख नाम होता है जो कांग्रेस पार्टी से तैयारी कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि कांग्रेस के अंदर एक तो ये चलता है कि दो बार के कैंडिडेट जो चुनाव हार गए वो लगातार ये चर्चा है, चर्चा में कितना दम है, नहीं है, हम नहीं जाएंगे, इस बात को लेकर के, यानी कि दो बार चुनाव हारने का रघुवीर सिंह तेवतिया की सेहत पर कोई असर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा हम नहीं कहते, लेकिन अगर सेहत की बात आती है तो रघुवीर सिंह तेवतिया आजकल उतने सक्रिय दिखाई भी नहीं पड़ते, भले ही पार्टी की बड़ी सभाओं में तो दिखाई दे जाएं, लेकिन छोटे कार्यक्रमों में, ग्रामीण स्तर के कार्यक्रमों में उनके बेटे उनकी कमान संभालते हैं। इस सब को लेकर के एक बार फिर चर्चा घूमी दुष्यंत चौटाला की तरफ कि जिस प्रकार से उनकी सभाओं में भीड़ इकट्ठा हुई, तो क्या दुष्यंत चौटाला निगाह रख सकते हैं प्रथला विधानसभा पर? और आपके साथ आज बड़ा सवाल भी मेरा यही है कि क्या प्रथला विधानसभा, जिस पर चौधरी देवीलाल ओम प्रकाश चौटाला परिवार की नज़र थी, क्या दुष्यंत चौटाला उस पैमाने पर खड़ा उतर सकते हैं? क्या उचाना विधानसभा सीट, जहां पर की कोई दिक्कत लग रही है, ऐसे में दूसरी सीट क्या प्रथला हो सकती है? कमेंट्स बॉक्स में आप भी जरूर बताएं। जुड़े रहे हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना।
हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook या Instagram पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।